गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे वी विल एक्सप्लोर चैप्टर 3 क्लास 11 इंडिया अवर मदरलैंड बाय स्वामी विवेकानंद. जैसा हम सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद नो डाउट उन्होंने इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है और हमारे देश को बहुत सारी चीज़ें दी है. इसमें स्वामी विवेकानंद ने इंडिया हमारी मदरलैंड मदरलैंड मीन्स मातृभूमि. किस क्यों इंडिया इम्पॉर्टेंट है इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको. बहुत सारी उन्होंने लेसन्स बताए और इंडिया की इम्पॉर्टेंस बताई है कि वर्ल्ड पे इंडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं ये सेशन. ये हम डिफरेंट पार्ट्स पे ये चैप्टर बनाएंगे बिकॉज सो दैट आपको डिफरेंट पार्ट्स पे ये चैप्टर अच्छे से एक्सप्लोर हो सके समझ में आ सके. सो लेट्स स्टार्ट. शैल इंडिया डाई शैल. यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ऐसा अनुमान लगा रहे हैं क्या इंडिया मर सकता है मर जाएगा. सो देन अब यहाँ पे क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्या इंडिया मर जाएगा. देन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटिंक्ट ऑल मॉरल परफेक्शन विल बी एक्सटिंक्ट ऑल स्वीट सॉल्ट सिंपैथी फॉर रीजन विल बी एक्सटिंक्ट ऑल आइडियलिटी विल बी एक्सटिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस विल रीजन एट द ड्यूअलिटी ऑफ लस्ट एंड लग्जरी एज द मेल एंड फीमेल डाइटीज. सो यहाँ स्वामी विवेकानंद पहले पूछ रहे हैं क्या इंडिया क्या मर जाएगा. देन तब क्या होगा अगर इंडिया का अस्तित्व खत्म हो जाता है वर्ल्ड से तो क्या होगा. देन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑल स्पिरिचुअलिटी विल बी एक्सटिंक्ट. इसका एक्सटिंक्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो विलुप्त हो जाती है जो जिनका अस्तित्व नहीं होता. जैसे लाइक एग्जांपल डायनासोर. आज की डेट में डायनासोर्स नहीं है. डायनासोर क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. सो देन फ्रॉम तो यहाँ पे बता रहे कि अगर इंडिया ही नहीं हो गया तो इस पूरे वर्ल्ड से इस पूरे संसार से ब्रह्मांड से जो स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी मीन्स आध्यात्मिकता है वो ख़त्म हो जाएगी वो भी विलुप्त हो जाएगी. ऑल मॉरल परफेक्शन विल बी एक्सटिंक्ट. जितनी भी मोरालिटी है जितने भी मॉरल मीन्स नैतिकता है जितनी भी नैतिकता है इस पूरे वर्ल्ड से वो भी ख़त्म हो जाएगा एक्सटिंक्ट हो जाएगा विलुप्त हो जाएगा. ऑल स्वीट सॉल्ट सिंपैथी. देखिए स्वीट मीन्स जितने भी नम्र है मधुरभाषी लोग हैं जितनी मधुर आत्माएं हैं सिंपैथी है लोगों के लिए जो करुणा का भाव है फॉर रिलीजन धर्म के लिए वो भी ख़त्म हो जाएगा. क्यों क्योंकि भारत हम सभी जानते हैं कि एक धर्म निरपेक्ष राज्य है इसलिए राष्ट्र है. इसलिए स्वामी विवेकानंद ऐसा कह रहे हैं हम सभी जानते हैं कि भारत में मोरालिटी बहुत हमारे बेस पे है. सो स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता हमारे बेस पे है. सो ये सारी चीज़ें अगर भारत ख़त्म हो जाएगा तो भारत के साथ साथ आध्यात्मिकता नैतिकता धर्म सांप्रदायिकता ऑल आइडियली लिटी विल बी एक्सटिंक्ट. जितने भी आदर्शता है आदर्श है वो सब ख़त्म हो जाएंगे. एंड इन इट्स प्लेस विल रेन द ड्यूलैलिटी ऑफ लस्ट एंड लग्जरी एज द मेल ऑन फीमेल डाइटीज. तो यहाँ पे इनकी जगह सिर्फ लग्जरी किसकी इनकी जगह अगर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा दो चीज़ बचेगा लस्ट और लग्जरी. लस्ट मीन्स जितनी भी उपभोग की वस्तुएं होती हैं जितनी भी लग्जरी चीज़ होती हैं सिर्फ और सिर्फ वही बचेगी. और जो मेल और फीमेल है वही डाइटीज डाइटीज मीन्स इष्ट देव. तो लोग सिर्फ लोगों की ही पूजा करेंगे विथ मनी एज इट्स प्रीस्ट. किसके साथ में केवल पैसे के साथ में एक पुजारी की तरह. फ्रॉड फोर्स एंड कॉम्पिटिशन इट्स सेरेमनीज. और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी फ्रॉड होगा फोर्स होगा लोग प्रेशर करेंगे एक दूसरे के ऊपर बल का प्रयोग करेंगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी. सो ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन सॉल इट्स सैक्रिफाइसेस और जो अंतरात्मा है मनुष्य की जो आत्मा है वो त्याग करेगी अपनी इन सारी चीज़ों का. सच अ थिंग कैन नेवर बी. ये सारी चीज़ें फिर नहीं हो सकती. विल शी डाई. शी डाई मीन्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया के बारे में क्या वह मर जाएगी क्या हमारी मदरलैंड क्या इंडिया सच में विलुप्त हो जाएगी. दिस ओल्ड मदर ऑफ ऑल दैट नोबल और मॉरल ऑफ स्पिरिचुअल.
ये पुरानी, ये ओल्ड मदर, ये जो हमारी सबसे मदरलैंड है, जो बहुत पुरानी है, जो सारे नोबल जितने भी नैतिकता काम हैं, जितने भी मॉरल काम हैं, उन सारी चीज़ों की और जितने भी आध्यात्मिकता है, उन सब की ये मदर है, माँ है। द लैंड विच इज़ द सेक्स ऑफ ट्रॉड, तो ऐसी लैंड जहाँ पे हमने सेज मीन साधु ट्रॉट चले हैं, तो जहाँ पे जिस भूमि पे साधु, हम जानते हैं कि बहुत सारे महर्षि, बहुत सारे पुण्यात्माएँ, महात्मा जहाँ पे जिस जगह पे आए हैं, क्या वो सच में वो धरती ख़त्म हो जाएगी? द लैंड इन विच गॉड लाइक मैन स्टिल लाइव ऑन ब्रेथ, जहाँ आज भी गॉड लाइक मीन्स देवता समान, देवता तुल्य। क्यों देवता तुल्य यहाँ पे बोल रहे हैं? क्योंकि ह्यूमन की क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है इंडिया पे मॉरालिटी एड के कारण में, कि उनका कंपैरिजन यहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने देव से किया है, ईश्वर से किया है, कि ईश्वर के समान जो लोग हैं वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ सांस लेते हैं। आई विल बोरो एंड लंटिन ऑफ द एथेंस सैक एंड फॉलो यू, सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उधार लूँगा वो लंटिन जो एथेंस की है और उससे आपको फॉलो करूँगा। माई ब्रदर, मेरे भाई, थ्रू द सिटीज़ एंड विलेज, बहुत सारे शहर से और गांव से होते हुए, प्लेन्स एंड फॉरेस्ट, समतल जगह से होते हुए और जंगलों से होते हुए, ऑफ द ब्रॉड वर्ल्ड, इस बड़े संसार में, शो मी सच मैन इन अदर लैंड इफ़ यू कैन, मुझे आप दिखाइए इस तरह के लोग दूसरी भूमि पे, अगर आप दिखा सकते हैं। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले बोला कि अगर इंडिया ही नहीं रहेगी तो इस पूरे विश्व पे आध्यात्मिकता, मौत, नैतिकता, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, धर्म सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाएगी, और सिर्फ लोगों के बीच में फ्रॉड, फोर्स और बहुत सारी गलत चीज़ों की प्रैक्टिस होने लगेगी। यहाँ वो बोल रहे हैं कि चैलेंज भी कर रहे हैं कि अगर आप मुझे दिखा सकते हो ईश्वर के, क्योंकि ये एक ऐसी धरती है, इंडिया एक ऐसी ज़मीन है जहाँ पे साधु महात्मा, बहुत सारे साधु संत या देवता के समान, गॉड लाइक मैन, देवता के समान लोग भी रहते हैं और सांस लेते हैं। सो क्या इस जगह पे, इसके अलावा, इंडिया के अलावा, क्या इस पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई जगह है जहाँ लोग स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, मोरालिटी और अपने इंसानियत के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे? क्या ऐसी कोई जगह है? ये फर्स्ट पैसेज है। लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड पैराग्राफ। द डेप्ट विच द वर्ल्ड ओज टू द मदरलैंड इज इमेंस। डेप्ट मीन्स कर्ज, वर्ल्ड मीन्स संसार, मदरलैंड इज इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा। सो ये पूरा संसार हमारी मातृभूमि इंडिया की कर्जदार है। क्यों कर्जदार है? क्यों विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ऐसा कह रहे हैं कि पूरी हमारी मातृभूमि का वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड ये कर्जदार है? आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। Taking country with country, there is no one race on the earth to which the world owes so much so as patience, Hindu and mild Hindu. यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी बोल रहे हैं कि पूरी, अगर आप विश्व पे ले सकते हैं, सारे विश्व को लिया जाए, तो कोई भी ऐसी रेस, रेस मीन्स जाति, कोई भी ऐसी जाति नहीं है इस पूरे धरती पे जो वर्ल्ड के लिए, इस पूरे संसार के लिए जो ऋणी हो जितना कि हिंदू और जो माइल्ड हिंदू, जो नर्म हिंदू होते हैं, उन्होंने जो किया है। हियर एक्टिविटी प्रिवेल्ड व्हेन इवन ग्रीस डिड नॉट एग्जिस्ट, यहाँ तब भी काम होता था। अगर इतिहास को, भारत के इतिहास पे जाएंगे तो हम तब से काम करते थे, तब से हमारे यहाँ पे सभ्यता आ गई थी, जब ग्रीस भी, ग्रीस का जन्म भी नहीं हुआ था। व्हेन रोम वॉज नॉट थॉट ऑफ, जब रोम ने इन चीज़ों को नहीं सोचा था। When the very father of modern Europeans lived in the forest and painted themselves blue, जब बहुत पहले, जब लोग जो modern Europeans हैं वो forest में रहते थे और उन्होंने अपने खुद को, उन्होंने blue color के paint से paint किया हुआ था। Even earlier, when history has no record and tradition dares not peer into the gloom of the intense past, even so, जब हिस्ट्री जैसी कोई चीज़ नहीं थी जिसमें प्राचीन चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर सकते थे, पास्ट के बारे में कोई जानकारी रख सकते थे, आइडियाज़ आफ्टर आइडिया हैव मर्चेंट आउट फ्रॉम हर, बट एवरी वर्ल्ड हैज़ बीन स्पोकन विद द ब्लेसिंग बिहाइंड इट एंड पीस बिहाइंड इट। सो ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो इंडिया से ही होके जब यहाँ पे लोग आए, तो इनसे ही, इंडिया से ही ये सारी जगह पे स्प्रेड हुई।
लेकिन हर एक शब्द, इंडिया से जितने भी शब्द हैं, वो एक आशीर्वाद की तरह है और इसे एक शांति की तरह हमने प्रेजेंट किया है। सो यहाँ पे इंडिया के बारे में, इंडिया की कल्चर को बताया है स्वामी विवेकानंद ने कि ये सारा विश्व इंडिया का ऋणी है, क्योंकि यहाँ उनको सभ्यता मिली, कल्चर मिली और सबसे पहली सभ्यता इंडिया पे ही आई है। सो एज अ कंक्लूजन इस सेकंड पैराग्राफ पे स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि किस तरह से ये सारा संसार मातृभूमि, हमारी मातृभूमि भारत माता का ऋणी है, क्योंकि इंडिया ने ही सबसे पहले सभ्यता दी, सबसे पहले कल्चर दिया, सबसे पहले सारी चीज़ों को। जब पूरे विश्व में सभ्यता नहीं आई थी और वो लोग सोचते भी नहीं थे, तब इंडिया ने, जो हिंदुइज्म है, जो सॉफ्ट हिंदू है, वो कल्चर ने, उन्होंने इस वर्ल्ड को सारी चीज़ें दी। कैन यू एड्यूस एनी रीज़न वाई इंडिया शुड लाई इन एब टाइड ऑफ द आर्यन नेशंस? सो कैन यू एड्यूस मीन्स कैन यू टेल, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या आप, इसे बता सकते हैं क्या आप, इसकी व्याख्या कर सकते हैं? सो कैन यू एक्सप्लेन, कैन यू टेल एनी रीज़न, कोई भी एक कारण, वाई इंडिया शुड लाई इन द एपटाइट? एपटाइट मीन्स नीचे, अवनति की ओर पे, नीचे की ओर पे, नीचे डाउनफॉल पे ऑफ द आर्यंस नेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज द आर्यंस कंट्री, आर्य का नेशन। सो इस आर्य के देश में क्या आप कोई भी एक कारण बता सकते हैं कि हमारी जो मातृभूमि है, जो भारत है, वो क्यों इतनी अवनति है, क्यों यहाँ पे इतना डाउनफॉल है, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसे उन्होंने नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट सेंटेंस पे क्लियर किया है। इज शी इन्फीरियर इन इंटेलेक्ट? क्या भारत माता इन्फीरियर मतलब कमतर, इन इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि में, क्या हमारी भारत माता बुद्धि में कमतर है? इज शी इन्फीरियर इन डेक्सटरिटी? डेक्सटरिटी मीन्स कला में, क्या हमारी भारत में माता किसी भी कौशल्य में, कला में कम है? कैन यू लुक एट हर आर्ट, एट हर मैथमेटिक्स, एट हर फिलोसफी एंड आंसर यस? क्या आप इनके, क्या आप उनके आर्ट पे, कला पे, गणित पे, दर्शन शास्त्र के और देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं यस पे? ऐसा स्वामी विवेकानंद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दर्शन सबसे पहले, कला, गणित, ये सारों की अगर देखेंगे, जैसा आप जानते हैं कि शून्य का इन्वेंशन हमने ही किया था, दर्शन जितने भी चाणक्य नीति, अर्थशास्त्र, बहुत सारी चीज़ें, पंचतंत्र, जितनी भी जातक कथाएँ इंडिया से ही आई है। तो क्या आप ऐसा बता सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया सच में किसी से कमतर है, कम है? All that is needed is that she should dehypnotize herself and wake up from her age long sleep to take her true rank in the hierarchy of nation. All that she needed is needed. मतलब जो सिर्फ और सिर्फ उनको करने की नीड है, यहाँ किसे, she means है यहाँ पे नेशन को, मातृभूमि को, भारत माता को, सिर्फ हमारी भारत माता को इतना ही करने का नीड है। डीहिप्नोटाइज, हिप्नोटाइज मीन्स होता है सम्मोहन, जब आप किसी को सम्मोहित कर लेते हैं जिसमें आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, जो सामने वाले पर्सन होते हैं वही गाइड करते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भारत माता को ऐसा बोला गया है कि वो कमतर है, उन्हें डीहिप्नोटाइज करना है खुद को, मीन्स हमें खुद को। यहाँ भारत माता से अभिप्राय स्वामी विवेकानंद के सारे इंडियंस है कि हम सब इंडियंस क्यों सोचते हैं कि हमारी कम है, हमारी रैंकिंग कम है, जबकि अगर आप हिस्ट्री पे जाएंगे तो हर चीज़ इंडिया से ही ओरिजिन हुई है। हमें डीहिप्नोटाइज करना है, मतलब हमें अपनी सम्मोहन को भंग करनी है, हमें अपने फिर से खुद को देखनी है और जागना है। वेक अप फ्रॉम एज लॉन्ग स्लीप मीन्स बहुत सदी से जो हम लोग सो रहे हैं उस नींद से हमें जागना है। ट्रू रैंक इन द हायरार्की ऑफ नेशन, इस पूरे विश्व में हमारी जो जो देशों की रैंक है, जो देशों का क्रम है, उस रैंक पे हमें अपनी असली रैंक पे आना है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे आज इंडिया टॉप 10 कंट्रीज़ पे भी नहीं है, नेशन पे भी नहीं है, वर्ल्ड पे। सो ये नहीं है क्यों? तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हमें वापस से खुद से, उस सम्मोहन से खुद को जगाना होगा हमें वापस से, क्योंकि हम इतने कमतर नहीं हैं। हमें सिर्फ ऐसा बताया गया है कि हम कमतर हैं, जबकि इंडिया कमतर नहीं है। द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया आर रिन्यूनिशिएशन एंड सर्विस इंटेंसिटी हर इन दोज चैनल्स एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट्स। द नेशनल आइडियल्स ऑफ इंडिया आर, यहाँ पे बता रहे हैं स्वामी विवेकानंद सर, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो
भारत का मेन आइडिया है, जो मेन विचार है भारतीयता का, वो है रिन्यूनसिएशन मीन्स त्याग, एंड सर्विस मीन्स सेवा। सेवा और त्याग ही हमारी इंडिया की, भारत की मेन भावनाएं हैं। इंटेंसिफाई हर इन दोज चैनल एंड द रेस्ट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हमें खुद से त्याग और सेवा, ये जो चीज़ है, ये दो जो चीज़ है जो नेशन की, हमारे देश की मेन चीज़ है, इसे हमें इंटेंसिफाई करना है। इंटेंसिफाई करना मीन्स इसे हमें बढ़ावा देना है इन दोनों जगह पे, त्याग पे और सेवा पे, बाकी सारी चीज़ अपने आप से ठीक हो जाएगी। यहाँ स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि हम जितने की एबल हैं, भारत जितना योग्य है, सक्षम है, उतनी सक्षमता, उतना वो रैंक नहीं मिला है, क्योंकि हम हिप्नोटाइज हैं, हम खुद से ही सोच रहे हैं कि हम कमतर हैं। अगेन, भारत की मेन आइडियोलॉजी क्या है? त्याग और सेवा। अगर आप देखेंगे, इंडियन हमेशा से ही, भारत में हमने त्याग और दूसरों की सेवा को सबसे प्रायोरिटी पे रखा है। तो हमें वापस से अपने ये जो मेन आइडियल्स है, मेन जो विचारधारा है, त्याग और सेवा, उस पे फोकस करना है, उसे बढ़ावा देना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा कि स्वामी विवेकानंद की एक थॉट प्रोवोकिंग चैप्टर है, इस पर उन्होंने बताया कि किस तरह से इंडिया जो है वो टॉप पे होनी चाहिए। इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, हर जगह पे इंडिया अच्छी है, लेकिन फिर भी आज वर्ल्ड पे हम खुद को ही बहुत पीछे पाते हैं, खुद से बहुत सारी चीज़ें। यहाँ उन्होंने एक प्रोसेस दिया है, यहाँ पे उन्होंने बताया इंडिया की सारी अच्छी चीज़ों को, और उन्होंने ये भी बताया कि त्याग और सेवा को हमें अपने देश में बढ़ावा देना होगा, जिससे कि हम वापस से अपनी देश को वर्ल्ड पे स्टैंड कर सकें, और हमें अपनी जो स्थान जो हम डिज़र्व करते हैं उस जगह पर हम आ सकें। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। सेकेंड पार्ट डेफिनेटली वी विल अपलोड। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ राइट अस कमेंट, और अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, सो प्लीज़ राइट अस ऑन कमेंट। एंड अगर आपको कंटिन्यूसली सारे वीडियोस चाहिए, तो CBSE RBSE के हम सारे वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं। प्लीज़ राइट अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, सो आपको सारे वीडियोस ऑटोमेटिकली मिलने लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।